ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती के लिए युवा खूब पसीना बहा रहे हैं। पुलिस ने भर्ती होने के लिए युवाओं ने कई महीनों तक प्रैक्टिस की है और अब भर्ती के शुरू हुए ही इस दौर में युवा उत्साह में भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मंडी ने बताया कि पटेल मैदान में चल रही भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो। ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती के लिए युवा खूब पसीना बहा रहे हैं। पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं ने कई महीनों तक प्रैक्टिस की है और अब भर्ती के शुरू हुए इस दौर में युवा उत्साह से भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मंडी ने बताया कि पटेल मैदान में चल रही भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। उन्होंने बताया कि गत दिन 1274 युवाओं ने भर्ती में भाग लिया, जिनमें से 871 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया को पास किया। उन्होंने बताया कि वीरवार को 2000 युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था, जिनमें से समाचार लिखे जाने तक 1400 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवा दिया था। वहीं खाकी वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती के लिए युवा पसीना बहा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। पिछले कल हमने 1274 कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की थी और इनमें से 871 कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई हुए हैं और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो लॉन्ग जंप और रेस में डिसक्वालीफाई हुए हैं। और आज भी भर्ती के लिए हमने 2000 कैंडिडेट्स को बुलाया है और अभी तक लगभग 1400 कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जारी है। कुछ कैंडिडेट्स ने जो है अपना गलत मेल आईडी दे करके और अलग फ़ोन नंबर दे करके दो दो मेल आईडी भी जनरेट करने की कोशिश की गई है और वो सारा हम जो है जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उस पर डिटेक्ट हो जाता है, उन कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई कर देते हैं, उनको जो है भर्ती में प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।